before and after. Yes guys, once again welcome to Shyama's makeover channel. जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बॉब हेयर कटिंग ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप एसिमेट्रिकल बॉब. सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए. सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये खूबसूरत सा बॉब मैंने कैसे किया है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले आप सेक्शनिंग करेंगे फ्रेंड्स. देखिए किस तरह से मैंने सेक्शनिंग की है, फ्रंट से और बैक से मैंने डायगनल बैक सेक्शन किया है. सो जो फर्स्ट सेक्शन मैंने लिया, मिडिल सेक्शन लिया आप देखिए, और उसको मैंने स्ट्रेट कट किया. आपने स्ट्रेट कट करना है 0 डिग्री में. तो पहला बेस जो होगा वो होगा स्ट्रेट. सो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 3-3 इंचेस हेयर कट किया है. अगेन जो मैंने सेकेंड सेक्शन लिया है वो है डायगनल बैक. आप देख सकते हैं सेक्शनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स. डायगनल बैक और मिडिल सेक्शन लिया सबसे पहले, और उसको मैं 45 डिग्री में कट कर रही हूँ. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा फिंगर है ऊपर की तरफ जा रहा है. अब मैंने थोड़ा सा लेफ्ट के बाल को लिया और उसको सेंटर में कट किया. लेफ्ट के सारे हेयर को लेके आपने सेंटर में कट करना है, राइट के बालों को भी ले जाके आपने सेंटर में कट करना है फ्रेंड्स. जब आप इस तरह से कट करते हैं तो एक चीज़ श्योर है फ्रेंड्स कि जो आपके दोनों साइड के जो बाल हैं वो आपको लेंदी दिखेगा. दोनों तरफ से आप देख सकते हो कि जब मैं कट करती हूँ, आपने देखा होगा कि एसिमेट्रिकल इफ़ेक्ट के लिए आपको लेफ़्ट और राइट के दोनों साइड के बालों को सेंटर में ला के कट करना है. लेफ़्ट के बाल जब आप लाओगे आपका फिंगर ऊपर की तरफ जाएगा, राइट के बालों को जब लाओगे तो फिंगर नीचे की तरफ जाएगा. यू कैन सी. सो इसी तरह फ्रेंड्स अगेन अनदर सेक्शन मैंने लिया, 45 डिग्री में कट किया और थोड़ा सा और हल्का सा उठाया. और यहाँ पे मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इनको नॉचिंग दे रही हूँ. जी हाँ, नॉचिंग की अगर मैं बात करूँ तो नॉचिंग आप एक बार गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि नॉचिंग का क्या मतलब है. बेसिकली नॉचिंग से क्या होगा, क्या होता है, जो बल्क हेयर है ना उसको कट करते हैं हम लोग और एक अनइवन टोन देते हैं और एक अनइवन इफेक्ट देते हैं बालों में, जिससे कि वो लाइन क्रिएट ना हो बेसिकली फ्रेंड्स, राइट. जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मैं क्लाइंट के फ्रंट साइड में आई हूँ और देखिए मैंने डायगनल फॉरवर्ड किया पार्टिंग और फ्रंट के बालों को ले जाके मैं बैक में कट कर रही हूँ. तो जब मैं बैक में कट कर रही हूँ मेरा फिंगर ऊपर की तरफ है और देखिए किस तरह से मैं सीजर से कट कर रही हूँ. देखिए सो जब आप इस तरह से हेयर कट करते हो तो आपका एसिमेट्रिकल इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है. देखिए फ्रंट के बालों को ले जाके मैं बैक में कट कर रही हूँ. सेम वे फ्रेंड्स आपको इस साइड से भी, राइट साइड से भी आपको सेम तरीके से कट करना है. आपको गाइडलाइन लेना बिल्कुल नहीं भूलना, गाइडलाइन ज़रूर लेते रहिएगा. देखिए गाइडलाइन लिया और मैं कट कर रही हूँ. इस तरह से मेरा फिंगर नीचे की तरफ जा रहा है. फिंगर का बहुत ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जब मैंने कट किया यहाँ पे शॉर्ट टू लॉन्ग इफेक्ट आप देख सकते हो, जो कि एसिमेट्रिकल कहा जाता है. सो अभी मैंने क्राउन से, मुझे थोड़ा बाउंस देना है, क्लाइंट को लेयर इफेक्ट दे रही हूँ, तो मैं क्राउन में छोटा सा बॉक्स सेक्शन लिया और इसको मैंने 90 डिग्री में कट कर दिया. और यहाँ पे परफेक्ट बॉब हेयर कट तैयार है. आप देख सकते हो शी इज़ लुकिंग अमेजिंग. इनके बाल देखो कितने बाउंस से लग रहे हैं और ये नहीं, इनका एसिमेट्रिकल इफेक्ट तो देखो फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है. ओ माय गॉड, शी इज़ वेरी हैप्पी. और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है. जो मैंने 90 डिग्री में कट किया था उससे थोड़ा सा इनको बाउंस इफेक्ट दे रहा है. और इस पिक्चर में देखिए कितना खूबसूरत लग रही है. इनका फेस जो है थोड़ा सा चैबी है तो मैंने एसिमेट्रिकल इफेक्ट दिया है, उससे इनका फेस भी कवर कर रहा है. आप देख सकते हो साइड लुक सो लुकिंग अमेजिंग. और ये कैसा हेयर कट है फ्रेंड, जो यू कैन सी दैट समर हेयर कट. और यू नो आप किसी भी, कोई भी ड्रेसअप हो रहे हो, आप इट लुकिंग अमेजिंग बॉब.
वाओ सो ब्यूटीफुल। सो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरे और भी वीडियोस देखना कि बॉब एंड लॉब किस तरह से करते हैं या सिंपल फ्रिंजिस कट भी कैसे करते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसमें मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल दिया हुआ है। सो आप प्लीज़ जाइएगा, एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। बाय गाइस, सी यू सून।